हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल क्लस्टर करियर। मेरा नाम है ऋषुतोष। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्हें एक्टिंग में अपना करियर बनाना है। सो इस वीडियो में ऐसे ही एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। इस वीडियो में हम NSD में जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें एडमिशन लेने का, पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसा है और कौन कौन से नोटेबल एलुमनी हैं यहाँ से। तो वीडियो में पहले सबसे पहले आपको बता दूं NSD का छोटा सा इंटरव्यू दे दूं आप लोगों को कि NSD जो है इस टाइम दिल्ली में है और ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन काम करती है। NSD एकमात्र प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है दुनियाओं में से और भारत में एक लौती संस्थान है जहाँ से आप अपने एक्टिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज के बारे में। तो NSD में यहाँ पर 3 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध कराया जाता है ड्रामेटिक आर्ट्स के अंदर और जो इसकी फीस है वो है 8,500 रुपये पर ईयर। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है इस कोर्स में तो कैसे ले सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इट नॉट मैटर एट ऑल कि आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के अंदर आता है कि कैंडिडेट को कम से कम 6 थिएटर पार्टिसिपेट किए हुए होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि उसके एज लिमिट, तो कैंडिडेट 18 से 30 साल का होना चाहिए। अगर आप ST/SC हैं तो आपको 5 साल की रियायत मिलेगी। एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं। सबसे नंबर 1 पॉइंट है कि कैंडिडेट को यहाँ पर सबसे पहले NSD द्वारा संचालित किया गया एक एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद 6 दिन का एक वर्कशॉप होता है, उस वर्कशॉप को अटेंड करना पड़ेगा। वर्कशॉप में आपके वो कई सारे ऐसे टास्क देंगे जिससे आपके वो टैलेंट को चेक करेंगे। उसके बाद थर्ड आपको एक मेडिकल टेस्ट फिटनेस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा जो NSD ही ऑर्गेनाइज़ कराएगा अपने वहाँ पर ही। और लास्ट में तब आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सेलेक्ट होने के बाद आपको शायद मेरे ख्याल से यहाँ तक पक्की बात है तो 6,000 रुपीज़ पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाएगी सभी स्टूडेंट्स को जितने भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे। नोटेबल एलुमनी की बात करें तो गाइज यहाँ पर जैसे मैं काफ़ी बड़े नाम हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे नाम हैं, कुछ बड़े नाम मैं आपको गिना देना चाहता हूँ। अनुपम खेर, इरफान खान, ओम पुरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी एंड मैनी मोर हैं, बहुत सारे नाम हैं। नेक्स्ट आप बन सकते हैं अगर आपको अपने टैलेंट पर भरोसा है और आप चाहते हैं कि आपका टैलेंट और निखर कर और अच्छा होकर बाहर आए तो NSD वो जगह है जहां से आप अपने एक्टिंग का किक स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपका करियर जाने वाला है। जितनों के मैंने नाम गिनाए हैं आप देख सकते हैं इनका एक्टिंग करियर कितना लाजवाब रहा है। सो बस बशर्ते आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए कि आपके एक्टिंग में उतना दम है और आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।